हेलो फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान में आपका स्वागत है। शायद आपको पता है कि मोदी जी ने हमारे लॉकडाउन के वक्त को थोड़ा बढ़ा दिया है, 3 मई तक बढ़ा दिया है, ताकि हम कुछ लेस अफेक्टेड हो, क्योंकि इसका संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप सावधान रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। आज हम आपको करंट अफेयर्स और असम से रिलेटेड कुछ जीके देंगे जो कि आपका पता होना चाहिए। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं फर्स्ट आपको करंट अफेयर्स बताती हूँ, तो आज का है 13 अप्रैल 2020 का, जो कि है मैंने आज करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा दिया है, तो आप प्लीज़ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द युक्ति पोर्टल। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द युक्ति पोर्टल, युक्ति। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ ICICI टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर COVID-19। व्हिच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ ICICI टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर COVID-19। ठीक है, नेक्स्ट इज, आरोग्य सेतु IVRS हैज़ बीन लॉन्च इन कोलाबोरेशन विथ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। आरोग्य सेतु IVRS हैज़ बीन लॉन्च इन कोलाबोरेशन विथ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्ले सेफ ऑन प्ले ट्री डे 2020 वॉज ऑर्गेनाइज बाई व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। प्ले सेफ ऑन प्ले ट्री डे 2020 वॉज ऑर्गेनाइज बाई व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन मेड द फेस ऑफ RBI's ट्विटर कैंपेन फॉर प्रोमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन। हु हैज़ बीन मेड द फेस ऑफ RBI's ट्विटर कैंपेन फॉर प्रोमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्टिस वी कंगाराज has been appointed the state election commission of which state? Justice V. Kanagaraj has been appointed the state election commission of which state? Next question hai, India will export wheat to which countries under G2G agreement? India will export wheat to which countries under G2G agreement? तो ये हैं हमारे 8 questions जो कि मैंने आज आपको दिए हैं। इसके answers आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे, फिर भी आप ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज कुछ फैक्ट्स लाए हूँ रिगार्डिंग असम एंड एनी स्टेट्स। तो 14 फैक्ट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कॉल ऑफ वर्डन वैली कौन से स्टेट को कहा जाता है? त्रिपुरा को। वर्डन मतलब जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी है, उसको त्रिपुरा को कहा जाता है। सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस कहा जाता है तेजपुर को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनिरुद्ध और उषा का प्रेम कहानी था, जो कि बहुत फेमस था, और उषा उसके वजह से क्या हुआ, लॉर्ड कृष्णा और बनासुरा के बीच काफ़ी युद्ध हुआ, जिसके वजह से वो सिटी क्या हुआ था, वो ब्लड से बह गया था, इसलिए इसे तेजपुर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ गुवाहाटी। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया गुवाहाटी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ गुवाहाटी। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ज्वेल ऑफ इंडिया इज़ मणिपुर। मनी आपको यहाँ से पता चल जाता है, मनी है ज्वेल। नेक्स्ट इज, खजुराहो आसाम इज़ मदन कामदेव। खजुराहो आसाम मदन कामदेव है। खजुराहो ऑफ इंडिया कहाँ पे है और कौन सा टेंपल है, आपको बताना चाहिए। ठीक है, आप इसको आंसर, खजुराहो ऑफ इंडिया कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं एक आपको हिंट दे सकती हूँ, वो MP में है, उसका नाम क्या है उस टेंपल का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट इज, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इज़ सुआलकुची। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इज़ सुआलकुची। इंडिया का क्या है, आपको पता होना चाहिए, इंडिया का कौन सा है। नेक्स्ट इज, नवद्वीप ऑफ असम इज नलबारी। नवद्वीप ऑफ असम इज नलबारी। नेक्स्ट इज ऑयल सिटी ऑफ असम क्या है, डिगबॉय। ऑयल सिटी ऑफ असम है डिगबॉय। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1901 में हुआ था। ठीक है, डिगबॉय है, आप दूसरे जगह के साथ कन्फ्यूज मत कीजिए, इसका है डिगबॉय, ऑयल सिटी डिगबॉय में है, वो कहाँ है, अपर असम में। नेक्स्ट इज, पंचतीर्थ कहाँ पे है, गुवाहाटी। पंचतीर्थ कौन से जगह को कहा जाता है, गुवाहाटी। कौन से टेम्पल को, डोल गोविंदो टेम्पल को, डोल गोविंदो। ठीक है, डोल गोविंदो। और पंचतीर्थ ऑफ इंडिया कौन सा है, पंचतीर्थ ऑफ इंडिया है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में है, जगन्नाथ। ठीक है,
जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, वो है पंचतीर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, और असम का है गुवाहाटी में है डोल गोविंदो टेम्पल। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ असम है चराइदियो, मैदान भी बोल सकते हैं या चराइदियो। नेक्स्ट इज स्कॉटलैंड ऑफ असम इज हाफ लॉन्ग, स्कॉटलैंड ऑफ असम है हाफ लॉन्ग। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट है मेघालय, याद रखिए या आप कंफ्यूज मत कीजिए, असम का है हाफ लॉन्ग, ईस्ट का है मेघालय। स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट है नागालैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट है नागालैंड। टी कैपिटल ऑफ असम है जोरहाट, टी कैपिटल ऑफ असम डिब्रूगढ़ नहीं है, टी कैपिटल ऑफ असम जोरहाट है। वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है, टी रिसर्च सेंटर है, आप बता सकेंगे ना, टी रिसर्च सेंटर उसका नाम है टोकलाई टी रिसर्च सेंटर, ठीक है, वो जोरहाट में है। तो आज मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए रिगार्डिंग असम एंड नॉर्थ ईस्ट। आपको अगर लगता है कि मुझे ऐसा कुछ और फैक्ट्स बताना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको रिगार्डिंग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मैं आपको कल से स्टैटिक क्वेश्चंस बता दूंगी अबाउट असम एंड नॉर्थ ईस्ट। तो फ्रेंड्स, जो मैंने करंट अफेयर्स दिया था उसके आंसर मैं आप कहने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द युक्ति पोर्टल, तो उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका आंसर है आर वी वर्मा, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ जान लीजिए, ये स्टार्ट हुआ था एज एन ऑपरेशन एज व्हीकल फाइनेंस कंपनी इन 1996, वो पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं था, एज ए व्हीकल फाइनेंस कंपनी स्टार्ट हुआ था 1996 में, देन इट गॉट कन्वर्टेड इन 2017, ठीक है, व्हीकल फाइनेंस कंपनी से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ इन 2017, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर COVID-19, उस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट आप सबको पता है। ये क्या करता है, ये क्विक बेनिफिट प्लान ऑफ 25,000 देता है ठीक है, बेनिफिट प्लान ऑफ 25,000 रुपीज़ देता है जो कि COVID-19 से अफेक्टेड है, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 150 एनुअली, रुपीज़ 150 आपको एनुअली भरना होगा, तो वो 25,000 देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरोग्य सेतु IVRS हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलाबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, आरोग्य सेतु IVRS हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलाबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, उसका नाम है तमिलनाडु स्टेट के साथ आरोग्य सेतु ने कोलाबोरेट किया है। IVRS क्या है, IVRS है इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सर्विस, IVRS है इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सर्विस। अगर आपको एक नंबर दिया जाएगा, आरोग्य सेतु में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर अगर आप मिस कॉल देते हैं तो ये ऐप क्या करता है, आपके लोकेशन को ट्रेस करता है और आपको वहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका IVRS का मतलब यही है, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्ले सेफ ऑन प्ले ट्री डे 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, प्ले सेफ ऑन प्ले ट्री डे 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, सेलिब्रेटेड ऑन 9 अप्रैल। इसका मिशन क्या है, ताकि जो स्पोर्ट्समैन है वो विदाउट एनी ड्रग्स खेल सके, विदाउट एनी थिंग दे कैन प्ले, ओके। तो ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन मेड द फेस ऑफ RBI ट्विटर कैंपिंग फॉर प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन, उनका नाम है अमिताभ बच्चन। इस कैंपिंग में और भी डिजिटल पेमेंट मोड्स को प्रमोट किया गया है, वो है NEFT, UPI, BBPS, ठीक है, आर प्रोमोटेड इन दिस कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिस वी कानागराज हैज़ बीन अपॉइंटेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हिज स्टेट, ठीक है, तो जस्टिस वी कानागराज हैज़ बीन अपॉइंटेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हिज स्टेट आंध्र प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, शायद आपको पता है कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और इनके अंडर दो इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं जो हमारे वोटिंग ऑल दैट जो इलेक्शन के जो प्रोसीड्यूर्स है वो सब देखते हैं। एक तो है सुनील अरोड़ा, और इनका जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल एक्सपोर्ट व्हीट टू व्हिच कंट्रीज अंडर G2G एग्रीमेंट,
वो है अफगानिस्तान एंड लेबेनॉन। इंडिया विल एक्सपोर्ट वीट टू अफगानिस्तान एंड लेबेनॉन। G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोविजन। कितना करेंगे, कितना देंगे, 106.21 मिलियन टन्स ऑफ वीट विल बी गिवन। ठीक है, कौन देंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल एक्सपोर्ट 40,000 टन टू लेबनान एंड 50,000 टू अफगानिस्तान। ठीक है, तो 40,000 टन लेबनान को दिया जाएगा और 50,000 अफगानिस्तान को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे आज के क्वेश्चंस जो कि है करंट अफेयर्स और फैक्ट्स है अबाउट असम एंड इन स्टेट। आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे जो सीरियस कैंडिडेट है उन तक ये पहुँच सकेगा। थैंक यू।